ईद के जश्न में शामिल हुई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दंगे की आशंका जता दी और लोगों से शांत रहने की अपील की। ईद के मौके पर कोलकाता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। मंच पर मौजूद ममता कुछ देर तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर भी खड़ी रही। इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया और दंगे की आशंका जताते हुए लोगों से शांत रहने की अपील कर डाली। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो। मौका ईद का था लेकिन ममता बनर्जी ने दंगे का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को सावधान करते हुए NIA पर भी निशाना साधा। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, NIA को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले दंगे से जुड़ा ममता का ये कोई पहला बयान नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रैली में रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई थी। उनकी ये रैली बंगाल के अलीपुर द्वार में हुई थी। 17 अप्रैल को रामनवमी है, उसके दो दिन बाद यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले यानी रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है। 17 तारीख दंगा करवे, तुम्हारे तो राम काने काने बोल दी जाएगी तुम्हें दंगा करो, किंतु दंगा करवे। ममता का ये बयान आए ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया। बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे। मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में रामनवमी पर दंगे हो गए थे, बंगाल सुलग उठा था। रामनवमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और दंगों की आशंका जता रही है। इधर